Welcome back my dear friend on my another video. Today we talk about the morning habit of successful people. So without any delay, let's begin. यह बात हम सभी जानते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन सुबह जल्दी उठता है, पर यह बात नहीं जानते कि वह जल्दी उठ के करता क्या है। यह वीडियो देखने के बाद आप यह जान जाएंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। हर सक्सेसफुल पर्सन सुबह उठने के बाद सेवर्स को फॉलो करते हैं। SAVERS क्या है ये, आखिर वह इसे फॉलो क्यों करते हैं? सेवर्स 6 एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन है और वह यह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, माइंड कंट्रोल, फोकस, फिटनेस एंड कंटिन्यूस नॉलेज गेन करने के लिए करते हैं। आइए अब सेवर्स को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट लेटर है एस। एस स्टैंड फॉर साइलेंस, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन करके वे अपने माइंड को हर सिचुएशन में कूल और शांत रखने की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें उनसे कड़ी सी कड़ी निर्णय लेने में आसानी हो और हर सिचुएशन का समाधान मिल जाए। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन करके हुई हुई थी। सेकंड लेटर है ए। ए स्टैंड फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन मीन्स जो अचीव करना है उसे एक पेपर में लिखना। ऐसा करके वे अपने माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते रहते हैं कि करना क्या है। लेटर है वी। वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन, मीन्स अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सोचना, उसे फील करना और अपने माइंड में एक विजुअल बनाना, विजुअलाइजेशन करना कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे बैंक अकाउंट में $10 million है, मैं एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ। ऐसा करके वे अपने सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस को इनक्रीज करते हैं। फोर्थ लेटर है ई। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। यह बात हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज अ ग्रेटेस्ट गुड, पर फिर भी जिम नहीं जाते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, हेल्दी फूड नहीं खाते, पर एक सक्सेसफुल पर्सन ऑफिस से आने के बाद जिम जाता है, टीवी नहीं देखता, वह सुबह ईमेल चेक करने से पहले मॉर्निंग वॉक पे जाता है। यह छोटे छोटे एक्शन उसे बड़े रिजल्ट देते हैं और वह अपने हेल्थ का ध्यान रखता है। फिफ्थ लेटर है आर। आर स्टैंड फॉर रीडिंग। हर सक्सेसफुल पर्सन पढ़ना नहीं छोड़ता क्योंकि वह जानता है लगातार ज्ञान हासिल करना ही सक्सेस का रहस्य है। बिल गेट्स हर हफ्ते एक बुक पढ़ लेते हैं, यही उनकी सक्सेस का कारण है। सिक्स एंड लास्ट लेटर है स्क्रिबिंग। इसका मतलब अपने डेली एनालिसिस को रात को सोने से पहले लिखना, इसे जर्नलिंग भी कहते हैं। वह इसे इसलिए करते हैं ताकि वह याद देख सके कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं या नहीं और वह कल से ज़्यादा मेहनत आज कर रहे हैं या नहीं। सक्सेसफुल पीपल डू द थिंग दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट विलिंग टू। आई रिपीट अगेन, सक्सेसफुल पीपल डू द थिंग दैट अनसक्सेसफुल पीपल डोंट विलिंग टू। यह थे वह सिक्स मॉर्निंग हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। पहला था साइलेंस, साइलेंस मीन्स मेडिटेशन। दूसरा था एफर्मेशन, मीन्स अपने अचीवमेंट को एक पेपर में लिखना। और तीसरा था विजुअलाइजेशन, अपने मन में उसे फील करना। चौथा था एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करना, हेल्दी फूड खाना। पाँचवा था रीडिंग, कंटिन्यूअस नॉलेज गेन करना, लगातार पढ़ना। और सिक्स था स्क्रिबिंग, मतलब जर्नलिंग करना। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप यह 6 हैबिट्स फॉलो करेंगे। सो मिलते हैं अगले हफ्ते। डोंट फॉरगेट टू बी डिफरेंट। जय हिंद।